राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार 2023 के लिए चार भारतीयों का चयन दोस्तों सुने गए। कुल 50 में से 20 को 14 सितंबर को लंदन में किया जाएगा सम्मानित। राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार 2023 के लिए चयनित 50 अभ्यर्थियों में चार भारतीय हैं। ये पुरस्कार राष्ट्रमंडल देशों में सामाजिक उद्यम, पर्यावरण, नवाचार व मानवाधिकार के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाले युवाओं को दिए जाते हैं दोस्तों। 15 से 29 वर्ष के ये युवा संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में भी योगदान दे रहे हैं। अक्षय मकर को चुना गया है दोस्तों। इन्हें ASD 13 जलवायु परिवर्तन श्रेणी में चयनित अक्षय सोलर कंपनी के CEO हैं। यह कंपनी कार्बन उत्सर्जन घटाने की दिशा में काम करती है। SDG 13 जलवायु परिवर्तन श्रेणी में चयनित अक्षय क्लाइमेंटेजा सोलर कंपनी के CEO हैं दोस्तों, इनको चुना गया है। सोम्या डाबरीवाल को चुना गया है दोस्तों। श्रुतिका को चुना गया है। कौशल सेठी को भी चुना गया है।